मेरे चैनल पे मैं अलीशा कलवार और आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं आज हम कुछ बेक करने वाले हैं। तो मैं बेक करने वाली हूँ केक, जो कि हम बनाएंगे कुकर में। आप ओवन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कैसे कुकर में भी केक बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके इन्ग्रीडियंट्स। तो ये है फ्रेश क्रीम, जो कि घर के दूध की मलाई की निकाली है। इसको अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन पहले आप मलाई स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, और ये काफ़ी अच्छे से निकल जाती है, ख़राब भी नहीं होती। तो ये हमारा बेसिकली मेजरिंग बाउल होगा, जिससे कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स अपने मेजर करेंगे। तो ये मैंने एक कटोरा क्रीम लिया है और आप इसको अच्छे से बीट कर लें एक बार, जो भी इसकी ये यहाँ पर जो भी ये हार्ड सा है ये एक बार सॉफ्ट हो जाए। एक कटोरा डाल रही हूँ इसमें रिफाइंड फ्लोर, और इसमें हमें 1.5 कटोरे मैदा डालना है, तो मैं इसमें 1/2 और लेने वाली हूँ। इसमें मैं डालने वाली हूँ शुगर, तो हम शुगर को भी मेजर कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये अमूल का पाउडर वाला दूध है। ये फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आपके केक को एक अच्छा सा टेस्ट भी देता है। इसको मैं डालने वाली हूँ। आप इसको, मैंने 10 के 2 पैकेट्स लिए हैं, मैं ये वाला डालूंगी। आप 2-3 जितनी मर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2 या 3 पैकेट्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज काउ मिल्क, ये आप अकॉर्डिंग ले लें, आपके बैटर की थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कितना जाएगा। तो मैं इसको डालूँगी और हम इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट, कि आपके बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं आना चाहिए। सो आप बिल्कुल ही अच्छे से इसको मिक्स करें। ओके गाइस, तो हमारा बैटर केक का रेडी हो चुका है और अब हम रेडी करने वाले हैं मोल्ड। आप ध्यान रखें कि हमें बैटर रेडी करने के बाद उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है। बेकिंग सोडा हमें लास्ट में, जब हम मोल्ड रेडी कर लेंगे और एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम बेकिंग सोडा डालेंगे हमारा, तो उससे क्या होगा कि आपके बेकिंग सोडा वैली फूल जाएंगे, उसके सारे एयर्स, उसके गैसेज जो है वो निकल जाएंगे बाहर। तो हम रेडी कर रहे हैं, इसके लिए मैंने ये लिया है मेल्टेड बटर, और इस बटर को आप इस पर ग्रीस कर लें बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपका केक जो है वो आपके मोल्ड से चिपकेगा नहीं और आसानी से बाहर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। हम इसमें 1/4 स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा बेकिंग सोडा ले लिया था, जिसको कि मैंने बाद में निकाल दिया। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है आपको। ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, हमारा मोल्ड रेडी है, और अब हम इसको इसमें डालने वाले हैं। एज आई सेड कि हम केक कुकर में बनाने वाले हैं, तो मैं यूज कर रही हूँ ये कुकर। आपकी साइज इतनी डेप्थ होनी चाहिए जिसमें कि आपका मोल्ड आराम से आ जाए। तो इसको हम बिठा लेंगे हमारे गैस के ऊपर। अब बस ये आपको कुकर से आपके मोल्ड के लिए एक प्रॉपर हाइट देनी होगी, जिसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि हमें नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा एक प्रॉपर हाइट मिले और आपके मोल्ड का जो नीचे का सरफेस है वो जलेगा नहीं डायरेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में आने से। और आप बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आप केक को इसमें डाल करके बंद करके तकरीबन 45 मिनट तक छोड़ देना। हाँ, बीच बीच में आपको आकर के चेक करते रहना है कि आपके केक का क्या पोजीशन है।
कुकर की सीटी है उसको निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आपको प्रेशर का सीटी नहीं लगाना है। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आई हूँ चेक करने की मेरा केक कभी कैसा है, किस पोजीशन पे है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये। ओके, तो ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे से फूल रहा है बिल्कुल। लेकिन अभी ये 20 मिनट और इसको पकने की ज़रूरत है, तो हम लीड इसको फिर से कवर कर देंगे और वेट करेंगे। A few moments later. आपने जो भी मेस क्रिएट किया है, मेक श्योर कि आप साथ के साथ उसको भी साफ कर देते हैं, तो बाद में आपको मम्मी से डांट सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ नहीं होता, मैं क्लीन कर देती हूँ। गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम चेक करते हैं कि केक की क्या पोजीशन है। सो लेट्स गो चेक। As you can see, केक कितने अच्छे से बिल्कुल फूल गया है और ये हो चुका है, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये पका है या नहीं अंदर से। चेक करने की बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस किसी भी नाइफ को, टूथपिक को इसमें डालें और चेक करें कि उसका जो बैटर है यहाँ पे लग रहा है या नहीं। अगर ये नहीं लग रहा है तो ये हो चुका है, तो केक हमारी रेडी हो गई है। हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। मैंने पूरे टाइम इसी लो फ्लेम पर अपने केक को बेक किया, ये बेस्ट तरीका है। It's looking too yummy. कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल कितना स्पॉन्जी सा बना हुआ है केक। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, इसको ठंडा होने दें और फिर खाएं। लेकिन इसका मैं करने वाली हूँ मेक ओवर, तो चलिए देखते हैं कि इसके मेक ओवर के लिए मुझे क्या चाहिए। मैं थोड़ा सा चॉकलेट टेस्ट देने के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये ओरियो बिस्किट, इसका हम क्रीम बनाएंगे। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाउडर मिल्क और ये ओरियो बिस्किट और थोड़ा सा, और मैं इसमें डालूंगी मिल्क। मेरे पास थे, इसको मैंने बिल्कुल ही क्रश कर लिया ऐसे, आप इसको अपनी हैंड से पेपर बहुत अच्छे से क्रश कर सकते हैं। तो ये रेडी है मेरा केक बिल्कुल खाने के लिए। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा केक कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।